में जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ जब रूस अमेरिका से सीधा भिड़ गया। रूस ने पहली बार अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका के मुताबिक रूस ने उसके MQ-9 रीपर ड्रोन पर उस वक्त हमला बोला जब वो काला सागर में उड़ान भर रहा था। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस के दो सुखोई लड़ाकू विमानों ने उसके ड्रोन पर वार किया और उसे काला सागर में गिरा दिया। इसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया है। अमेरिका का एक ड्रोन गिरा, तूफान उठा और वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा। चौबीस घंटे से व्हाइट हाउस में सायरन बज रहा है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक ड्रोन की चर्चा हो रही है। चौबीस घंटे से क्रेमलिन में सायरन बज रहा है। मॉस्को से लेकर डॉनबास तक दहशत बढ़ गई है। ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन बहुत ज्यादा टेंशन में है और पुतिन मुस्कुराकर इशारों में कह रहे हैं कि रूस ने वार्निंग दी थी लेकिन अमेरिका माना नहीं। इसके लिए चलिए ब्लैक सी यानी काला सागर। यहाँ आसमान में अमेरिका का एक ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुआं पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर रहा है। पूरा यूरोप मान रहा है कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। काला सागर के ऊपर अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन उड़ रहा था तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के दो सुखोई 27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही जाएगी। रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके आसपास करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। A serious incident that will cause repercussions, particularly as it relates to the whole situation in Ukraine right now. अब क्या ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाके का बदला है? क्या पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला अब अमेरिका से ले लिया है? क्या ये यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों का गुस्सा है जो पुतिन ऐसे हमले करके बताना चाहते हैं? जब मॉस्को और वॉशिंगटन में वर्ल्ड वॉर को लेकर सायरन बज रहा है तब पुतिन की बेफिक्री देखिए। पुतिन दक्षिण साइबेरिया रीजन में एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में अपने तमाम हेलीकॉप्टर झोंक चुका है और पुतिन ने अब रूस की हथियार फैक्ट्री को लगातार काम करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस फैक्ट्री में रूस के MI-8 और MI-17 हेलीकॉप्टर बनते हैं। पुतिन खुद एक हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर सवार हुए और जायजा लिया कि रूस की तैयारी कैसी चल रही है। हालांकि पुतिन के दिमाग में यहां भी ड्रोन पर किया हमला चल रहा था। उन्होंने इशारों में कह दिया कि ड्रोन गिराने के पीछे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन वाला बदला भी हो सकता है जिसका इल्जाम अमेरिका पर लग रहा है। Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты. Причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. Yeah.
फिलहाल बहस इस पर हो रही है कि ड्रोन कैसे गिरा, किसने ऑर्डर दिया और अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका को रूस ने सीधे तौर पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या रूस और अमेरिका के बीच अब डायरेक्ट युद्ध होगा और क्या ये जंग अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी, इसे समझने के लिए अमेरिका का दावा देखिए, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन गिराया गया है ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती कही जाएगी।